रिवर्स चलाएंगे, ब्रेक दबाएंगे, देखिए फिर 2 सेकंड के लिए वोल्टेज इसने निकाला, मतलब इस मीटर के अंदर जो ब्रेक का सिस्टम है वो बिल्कुल ओके है। दोस्तों अभी जो वेंडिंग मशीनें आ रही हैं, पंखा बांधने वाली मशीनें आ रही हैं, उनमें पावर ब्रेक सिस्टम लगा रहता है कि जितने टर्न आप सेट कर दोगे उतने पे हमारी मशीन रुक जाएगी। कभी कभी ये सिस्टम ख़राब हो जाता है। इस पावर ब्रेक सिस्टम में 2 सिस्टम लगे रहते हैं, एक तो इस मीटर के अंदर लगा रहता है और एक मशीन के अंदर जो मेन इसका डिस्क रहता है वो मशीन के मोटर के पीछे रहता है, इस तरह का आप देख सकते हैं। तो अगर हमारा ब्रेक सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखिए, हमने मीटर निकाल लिया है, जितनी भी वायर इसके पीछे लगी रहती है उनको निकाल लेना है। लाइन और न्यूट्रल हम दे देंगे पावर के बोर्ड से, यहाँ से लाइन और न्यूट्रल दे दिए हैं, और जो ब्रेक का वायर जहाँ पर लगा रहता है प्लस और माइनस, वहाँ पर हम बल्ब का वायर लगा लेंगे, इस तरह का 100 वाट का बल्ब लगा करके इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमें मोटर को रिवर्स घुमाना है क्योंकि रिवर्स का इंडिकेटर जल रहा है। रिवर्स का बटन दबाएंगे, मोटर चालू हो गई। अभी मोटर यहाँ नहीं है लेकिन मीटर की तरफ से मोटर को करंट भेज दिया गया है। उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। देखिए जैसे स्टॉप करेंगे हमारा बल्ब है वो 2 सेकंड के लिए जलना चाहिए अगर इसके अंदर वाला ब्रेक सिस्टम ओके है, क्योंकि 2 सेकंड के लिए ये ब्रेक के लिए सप्लाई निकालेगा, वोल्टेज निकालेगा। तो वोल्टेज से बल्ब जल गया। दोबारा रिवर्स चलाएंगे, ब्रेक दबाएंगे, देखिए फिर 2 सेकंड के लिए वोल्टेज इसने निकाला, मतलब इस मीटर के अंदर जो ब्रेक का सिस्टम है वो बिल्कुल ओके है। तो अभी हमें चेक करना है मशीन में लगा हुआ कॉयल जो मेन ब्रेक को लगाता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक सिस्टम में यहाँ पे कॉयल लगा हुआ है, तो यहाँ पे मोटर के पीछे ये ब्रेक सिस्टम होता है, इतना सा जो कॉयल देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये ब्रेक सिस्टम है, ये इसका कॉयल है, ये इसकी डिस्क है और इसमें से 2 वायर आता है। ये देखिए ये 2 वायर इस ब्रेक का है। तो इसका हमने सीरीज बल्ब से इन दोनों को चेक करना है। अगर हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है तो सही है, ये भी सिस्टम सही है। अगर नहीं जल रहा तो इसका कॉयल ख़राब है, इसको खोल करके हम रिवाइंड कर सकते हैं, नहीं तो कंपनी से नया ले सकते हैं। तो इस तरह हम मशीन के ब्रेक सिस्टम को चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।